हेलो, ट्रेवल आर्टिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और हम अपने वीडियो में आपको रोज कोई ना कोई नई जानकारी देते हैं। उसी श्रृंखला में हम आज आपको परिचित कराएंगे एक ऐसे योद्धा से जिसे कि भारत के इतिहास में गोरा बादल को जो सम्मान मिला है, वही सम्मान इस योद्धा को दिया जाता है। जी हाँ, आज हम आपको उत्तर प्रदेश के एक ऐसे गोरा बादल से परिचित कराएंगे जिसका इतिहास आपको भारत के ऐतिहासिक पुस्तकों में कम मिलता है। भारत के इतिहास को देखें तो भारत माँ को दासता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए देश का कोई ऐसा भी कोना नहीं था जहां छोटे से लेकर के बड़े या निर्धन से लेकर के धनवान, व्यापारी से लेकर के कर्मचारी, कवि, कलाकार, साहित्यकार सक्रिय ना हुए हों। ये बात और है कि किसी को संग्राम में सफलता मिलती है तो किसी को निर्वासन मिलता है और किसी को वीरगति प्राप्त होती है। भारत के इतिहास में 1857 का कलेवर विश्व के महानतम फ्रांसीसी क्रांति से बड़ा था। 1857 की भारतीय क्रांति ने राष्ट्र का सूत्रपात किया था। अगर अमेरिकी क्रांति अमेरिकी एकता का मार्ग प्रशस्त करता है तो 1857 ने भारत के राजनीतिक एकीकरण का रास्ता दिखाया था। दुनिया के इतिहास में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध ये सबसे बड़ा विद्रोह था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया था। अगर अंग्रेजों को उस समय नेपाल से मदद न मिली होती तो गुलामी का दौर बहुत पहले ही समाप्त हो जाता। तो आज हम आपको भारत के साथ उत्तर प्रदेश के एक ऐसे गोरा बादल से परिचित कराएंगे जिसने कि 1857 में अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिला दिया था, अंग्रेजी हुकूमत को जिसने टक्कर दिया था। तो आज हम आपको उत्तर प्रदेश के चहलारी क्षेत्र में ले चलते हैं। बहराइच जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है और यहाँ पर 18 वर्षीय जमींदार बलभद्र सिंह चहलारी ऐसे ही एक वीर थे जिनके पास उस समय 33 गांवों की जमींदारी थी। इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटते हैं तो उससे पहले चहलारी के बारे में हमें जानना जरूरी पड़ता है। सन 1450 में बालदेव बहराइच रियासत के राजा बनते हैं। बालदेव के बाद उनके पुत्र लखन देव, फिर इसके बाद धर्मदेव और प्रपौत्र हरिहर देव ने बौंडी पर राज किया था। प्रतापी राजा हरिहर देव के वीरता पूर्ण कार्य से प्रसन्न होकर के तत्कालीन मुगल सम्राट अकबर ने हरिहर देव को बहराइच जिले का एक बड़ा भूभाग सौगात के रूप में प्रदान किया था। और यही नहीं, परम प्रतापी हरिहर देव को बांसी जैसे अजेय राज्य पर विजय प्राप्त करने के फलस्वरूप बादशाह जागीर ने पुरस्कार में 9 परगनों का राज्य प्रदान किया था। और यहीं से अगर हम देखें तो हरिहर देव के बाद उनके पुत्र जितदेव राजा होते हैं और उनके कनिष्ठ पुत्र संग्राम सिंह के लिए हरिहरपुर के नाम से अलग रियासत की स्थापना की जाती है। जितदेव के ज्येष्ठ पुत्र परशुराम सिंह को बौडी और दूसरे पुत्र गजपत सिंह को नई रियासत रेहुआ का शासन मिलता है। इन्हीं गजपत सिंह के पुत्र मानदेव सिंह के छोटे बेटे धर्मधीर ने सन 1630 में चहलारी रियासत की स्थापना किया था। धर्मधीर के पुत्र हिम्मत सिंह के बड़े बेटे मदन सिंह को बौंडी की रानी के द्वारा गोद लिया जाता है और छोटे पुत्र देवी सिंह राजा बनते हैं। देवी सिंह के बाद उनके पुत्र उदित सिंह, पौत्र पृथ्वी सिंह और प्रपौत्र रणजीत सिंह, इसके बाद बरियार सिंह राज्य का प्रबंध संभालते। बरियार सिंह के पुत्र पृथ्वी पाल सिंह के बाद श्रीपाल चहलारी के राजा बनते हैं। श्रीपाल के ज्येष्ठ पुत्र बलभद्र सिंह जब राजा बनते हैं तो उनकी कथाओं को, उनकी गाथाओं को लोक गीतों में आज भी सुना जाता है।
और अब हम चलते हैं 10 मई 1857 पर, जब मेरठ में स्वतंत्रता आंदोलन की ज्वाला प्रकट होती है, जहां पर अंग्रेजों ने भारी दमन चक्र चलाया था, वहीं संपूर्ण उत्तर भारत में स्वतंत्र चेतना जागृत होती है और इस मुक्त संग्राम को प्रारंभिक दौर में आंशिक सफलता मिलती है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध में बहराइच को मुख्यालय बनाकर बिंग फील्ड कमिश्नर और कैप्टन बनबरी को डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया था। इन दोनों ने सत्ता संभालते ही उस क्षेत्र में दमन चक्र चलाया था। तब अंग्रेजी शासन के खिलाफ बहराइच में बिगुल बजता है। इस महाक्रांत की अंतिम लड़ाइयां उस समय अवध की बेगम हजरत महल के नेतृत्व में लड़ी जाती है। गजेटियर के अनुसार अगर हम देखें तो लखनऊ पर कब्जे के बाद अंग्रेजों ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उनकी बेगम हजरत महल अपने सहजादे बिरजिस कादरी और मम्मू खां जैसे विश्वासपात्र सैनिकों के साथ लखनऊ से भागकर बहराइच में बौड़ी नरेश हरदत्त सिंह के किले में शरण लेते हैं, जहां पर उन्होंने 40 दिन बिताए थे और उसी को संघर्ष की रणनीति का केंद्र बनाया था। उन्होंने वहां अपने विश्वासपात्र राजाओं, जमींदारों और स्वाधीनता सेनानियों की बैठक बुलाकर सबको इस महासंग्राम में कूदने का आह्वान किया था। अपने छोटे भाई छत्रपाल सिंह के विवाह के कारण बलभद्र सिंह इस बैठक में नहीं आ पाते हैं। बेगम उस समय उन्हें बुलाने के लिए विशेष संदेशवाहक को भेजती हैं। इस पर बलभद्र सिंह अपने छोटे भाई की बारात को बीच में छोड़कर बौड़ी आ जाते हैं। बेगम उन्हें वहां पर अपनी पूरी योजना बताती हैं, जिसके अनुसार सब राजा अपनी सेना लेकर के बाराबंकी के महादेवा नामक स्थान पर एकत्र होने लगते हैं और बलभद्र सिंह इससे पूरी सहमत व्यक्त करते हैं और अपने गांव लौट करके अपनी सेनाओं को एकत्रित करते हैं। लेकिन जब बलभद्र सिंह सेना के साथ प्रस्थान करने लगते हैं तो वो अपनी गर्भवती पत्नी के पास जाते हैं। वीर पत्नी उनके माथे पर रोली अक्षत का तिलक लगाती है और अपने हाथ से कमर में तलवार बांधती है। इसी प्रकार से राजमाता भी अपने बेटे को आशीर्वाद देकर अंतिम सांस तक अपने वंश और देश की मर्यादा की रक्षा करने को कहती हैं और माँ और अपने पत्नी से विदाई लेकर के बलभद्र सिंह पूरे उत्साह से महादेवा पहुंचते हैं। महादेवा में बलभद्र सिंह के साथ अवध क्षेत्र के सभी देशभक्त राजा और जमींदार अपनी सेना के साथ आते हैं। वहां राम चबूतरे पर एक सम्मेलन होता है जिसमें सबको अलग अलग मोर्चे सौंपे जाते हैं। बलभद्र सिंह को बाराबंकी के नवाबगंज के मोर्चे का नायक बनाकर बेगम हजरत महल के द्वारा उन्हें शाही चिन्ह के साथ राजा की उपाधि दी जाती है और उन्हें उसी समय 100 गांवों की जागीर प्रदान की जाती है। बेगम से विदाई लेने के साथ बलभद्र सिंह 16,000 सैनिकों के साथ मई 1958 के अंत में नवाबगंज के ओबरी में मोर्चा बना करके खड़े होते हैं। उस समय अंग्रेज ब्रिगेडियर होप ग्रांट के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी जाती है। सेना तो खाने से लेकर के अन्य सभी आधुनिक शस्त्र से सुसज्जित होती है। लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में आ गया होता है। बाराबंकी के ओबरी नवाबगंज के मैदान में गदर के सिपाही, दर्जन भर तालुकेदार अपनी इलाकाई सेनाओं के साथ मोर्चे की तैयारी करते हैं और इस मोर्चे में बहुत से सैनिकों का और खुद बलभद्र सिंह का ये पहला युद्ध अनुभव होता है और युद्ध के नेतृत्व का भार भी बलभद्र सिंह के ऊपर होता है।
इस युद्ध में अवध के किसानों ने मशहूर रेजिमेंट हडसन हार्स को भागने पर मजबूर कर दिया, कई तोपों पर कब्जा किया गया और इस युद्ध में 3 घंटे भीषण संघर्ष होता है। बहादुरी और जुझारूपन में नवाबगंज का युद्ध कहीं कहीं पर हल्दी घाटी का स्पर्श कर जाता है, क्योंकि 13 जून 1858 की ये तारीख होती है और हम देखें तो 5 दिन बाद 18 जून को हल्दी घाटी की तिथि जानी जाती है। और नवाबगंज के हवाले से इस युद्ध को याद करने से 1576 में हुए हल्दी घाटी युद्ध की तारीख को हम जानना ज्यादा आसान समझते हैं। अगर अंग्रेजी इतिहास में देखें तो उस समय युद्ध संवाददाता विलियम रसेल और ब्रिगेडियर होप ग्रांट ने अपने डिस्पैच में बलभद्र सिंह की वीरता युद्ध क्षमता को खुले दिल से स्वीकार किया था। पहले युद्ध में अंग्रेजों की तोपों पर कब्जा कर लेने के बाद भागते शत्रु का पीछा न करने से अंग्रेजों को पुनः जवाबी हमला करने का अवसर मिलता है। पराजय से आहत अंग्रेज ब्रिगेडियर होप बड़ी संख्या में तोप और राइफल मंगवाता है और पुनः वो युद्ध के लिए आ डटता है। अंग्रेज सेना की जबरदस्त तैयारियों को देखकर बेगम हजरत महल चिंतित होती हैं और उस समय बलभद्र सिंह चहलारी की कम उम्र को देखते हुए वो उन्हें एक दिन का विश्राम करने की सलाह देती हैं और स्वयं नेतृत्व की इच्छा जताती हैं। बेगम हजरत महल स्वयं को उनकी माँ बताते हुए नौवधू रानी के भविष्य का वास्ता देती हैं, लेकिन बलभद्र सिंह के दिमाग में तो कोई दूसरी ही बात चल रही होती है। वो युद्ध में स्वयं को सेनापति बताते हुए कहते हैं कि युद्ध में सेनापति का आदेश चलता है, माँ का नहीं। और यह कह करके बलभद्र सिंह चहलारी बेगम हजरत महल को निरुत्तर कर देते हैं। तब विवश होकर के बेगम ने सुरक्षा कवच पहनाकर आशीर्वाद देकर उन्हें विदा किया। सेना को 3 भागों में बांटकर खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का और हुक्म सेनापति बलभद्र सिंह का नारे के साथ बलभद्र की सेना फिरंगियों पर टूट पड़ती है। बलभद्र सिंह चहलारी चीते की भात फिरंगी सेनाओं को काटते हैं और ओबरी के युद्ध में लाशों का अंबार लग जाता है, लेकिन बलभद्र सिंह के काका वीर योद्धा हीरा सिंह मारे जाते हैं। राजा देवी बख्श की मार से कैंपबेल और बलभद्र की तलवार से हडसन घायल होते हैं। राणा बेनी माधव के वार से रसेल का घोड़ा मारा जाता है और रसेल भाग खड़ा होता है। अंत में बलभद्र सिंह और सेनापति होप ग्रांट आमने सामने होते हैं। बलभद्र सिंह के वार से होप ग्रांट का यूनियन जय कट करके नीचे आ जाता है और वो बेहोश होकर के गिर जाता है, लेकिन तभी तोप के गोले से बलभद्र सिंह का हाथी धराशायी होता है। महावत सुभान खां बलभद्र सिंह को बच निकलने की सलाह देते हैं, लेकिन बलभद्र सिंह महावत को फटकार देते हैं और घोड़े पर बैठ करके युद्ध करते हैं। उस दिन बलभद्र सिंह का दुर्भाग्य होता है, भाग्य उनके साथ धोखा करता है, गोला लगने से उनका घोड़ा भी युद्ध में मारा जाता है और इसके बाद बलभद्र सिंह पैदल ही दोनों हाथों में तलवार लेकर अंग्रेज सैनिकों का संहार करने लगते हैं। लेकिन धोखेबाज अंग्रेज होप ग्रांट धोखे से पीछे से वार करता है और बलभद्र सिंह चहलारी का सर धड़ से अलग कर देता है। कहा जाता है कि सिर कटने के बाद बलभद्र सिंह चहलारी का धड़ आधा घंटा तक युद्ध करता है। दोनों हाथों की तलवारें लगातार वार करती हैं और इस दृश्य को देखकर अंग्रेज ब्रिगेडियर होप ग्रांट के होश उड़ जाते हैं।
बलभद्र सिंह चहलारी का ये रूप देखकर 800 शेष बचे क्रांतिकारी अंतिम सांस तक युद्ध को लड़ते हैं और मातृभूमि की बलबेदी पर अपने को न्यौछावर कर देते हैं। ओबरी के इस युद्ध में चहलारी के प्रत्येक परिवार का लाल वीरगत को प्राप्त होता है। ओबरी का युद्ध पीढ़ियों के बाद भी आम जनमानस में सुरक्षित हो जाता है। वह स्मृत आज भी बहुत से गीतों, आल्हा और रासों में अभिव्यक्त हो रही है। 1857 के युद्ध में राजा बलभद्र सिंह चहलारी के साहस की अंग्रेज सेना नायकों ने काफी प्रशंसा किया था, लेकिन ओबरी युद्ध में पराजय से भारत की स्वतंत्रता का स्वप्न अधूरा रह जाता है। ओबरी युद्ध के अप्रतिम योद्धा बलभद्र सिंह के साहस और शौर्य की प्रशंसा करते हुए अंग्रेज सेनापति जनरल होप ग्रांट ने द सिपाही वार इन इंडिया शीर्षक से अपनी डायरी में लिखा था कि मैंने तमाम युद्ध और वीर योद्धाओं को देखा था, लेकिन बलभद्र सिंह जैसा शानदार सैनिक, जाबाज योद्धा और अनूठा सेनापति नहीं देखा था। इस लंबे चौड़े और निर्भीक योद्धा को मृत्यु का भी भय नहीं था। ओबरी के युद्ध में नायक रहे राजा बलभद्र सिंह के करिश्माई वीरता का समाचार उस समय लंदन टाइम्स और न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा था और उस समय वो दुनिया में काफी चर्चित होते हैं। अगर भारत के इतिहास में देखें तो विद्वान लेखक परमेश्वर सिंह ने अपनी पुस्तक राजपूत में लिखा है कि इस वीरता से प्रभावित होकर के महारानी विक्टोरिया ने चहलारी नरेश बलभद्र सिंह का भव्य और दिव्य चित्र अपने राजमहल बंकिंघम पैलेस में सम्मान के साथ लगवाया था। भारत के इतिहास में बलभद्र सिंह की कालजयी गौरव गाथा स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगी। ठीक ही किसी कवि ने लिखा है कि कालचक्र के मस्तक पर जो पौरुष की गाथा लिखते हैं उनकी मृत्यु कभी ना होती, वो केवल मरते दिखते हैं। अवध की ऐतिहासिक धरोहरों में चहलारी रियासत का नाम सबसे पहले आता है। हालांकि बाराबंकी जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यालय परिसर में चहलारी नरेश बलभद्र सिंह की प्रतिमा स्थापित की गई थी, किंतु युद्ध के मैदान में जहां उन्हें वीर गति मिलती है वहां घने जंगलों के बीच उनकी मिट्टी की समाध 162 साल से अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। समाध तक पहुंचने के लिए कोई मार्ग भी नहीं है। ऐसे में आजादी के नायकों को समर्पित ये कविता कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मिले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, बेमानी साबित हो रहा है। इसी प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन का गवाह होने के बावजूद बहराइच के महसी में घाघरा नदी के तट पर स्थित बौंडी किला पूरी तरह से उपेक्षित है। किले के समीप ही घाघरा नदी बह रही है और किले के अवशेष भी नदी में समा करके विलुप्त हो रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया है। चहलारी नरेश के खानदान के लोगों का ये कहना था कि उन्होंने किले की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कई बार शासन और प्रशासन को पत्र लिखा था, लेकिन आज तक उस पर कोई विचार नहीं हुआ। राजा बलभद्र सिंह चहलारी की तलवार आज भी सुरक्षित है। उसे लखनऊ स्थित म्यूजियम को सौंपने का प्रयास किया गया, लेकिन पुरातत्व विभाग की उपेक्षा से ये आज भी संभव नहीं हो पाया। चाहे जो हो, लेकिन बलभद्र सिंह चहलारी की वीरता भारत के सभी लोगों में हमेशा स्मृति के रूप में रहेगी और जब तक भारत स्वतंत्र है तब तक चहलारी का नाम भारत में स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। ऐसे वीर योद्धा जिन्हें की उत्तर प्रदेश का गोरा बादल कहते हैं,
बलभद्र सिंह चहलारी को मैं शत शत नमन करता हूँ।